फिश को मैरिनेट करने का तरीका बताएंगे फ्राई फिश को। सबसे पहले आपने 5 किलो मछली लेनी है, फ्राई करने वाली कटिंग करवानी है उसकी। आप दुकानदार से कहेंगे, मछली वाले से, वो आपको कर देगा। वो ऑलरेडी जब आप बाज़ार से लाएंगे उसके अंदर नमक लगा होगा, आपने जस्ट घर ला कर उसे अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और उसके बाद साफ़ करने के उसके फ़ौरन बाद आपने उसे ड्रेन आउट करने के लिए उसको स्ट्रेनर में रखना है। स्ट्रेनर के ऊपर आपने वेट ज़्यादा रखना है ताकि उसके अंदर से सारा उसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए, ताकि जो हम उसके लिए मैरिनेट करने के लिए जो जो हम इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं उसके साथ, वो सारे उसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम शुरू करते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए, इसको मैरिनेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसमें हमने सबसे पहले 5 kg फिश है। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले ये 5 टेबल स्पून जो है ये मैदा है, तो हस्बे ज़रूरत 10-12 मिर्चें जो हैं वो ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें, और ये तकरीबन एक बाउल है छोटा सा। इसके अंदर ये हमने दही इस्तेमाल करना है, ये अजवाइन है, ठीक है, ये हमने, और साथ में हमने इसकी इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए फिर इसके अंदर हमने हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली हुई हैं। इसके साथ हमने ऑयल है ताकि अच्छे तरीके से ग्रिप हो सके, और ये नमक है हस्बे ज़रूरत, ये 5 चम्मच जो है बेसन है ताकि इसकी ग्रिप अच्छी तरीके से हो जाए। ये रेड चिलीज हैं, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक जैसे भी आपको पसंद है, ज़्यादा या तेज़, हल्की या तेज़। और ये लहसुन है, लहसुन है, इसका पेस्ट है लहसुन का। हम इसको अब मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं, और हमने इसमें शान मसाला भी ऐड करना है उसका एक पैकेट। अब इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे हम इसके अंदर, नमक ऐड करेंगे, हम इसके अंदर लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसमें अजवाइन है और साथ में काली मिर्च है और थोड़ी सी मेथी है, सूखी मेथी, ये हम ऐड करेंगे। और ये ग्रीन चिलीज है, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से, जो ड्राई चीज़ें हैं सबको, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम फिर जो लिक्विड टाइप चीज़ें हैं उनको ऐड करेंगे। लहसुन हम ऑयल ऐड करेंगे, हम इसके अंदर हम इसमें शान फ्राइड मसाला डालेंगे, हम इसमें शान फ्राइड फिश मसाला डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको थिक थिक ही लगाएं, जिस तरह का ये बना ना बैटर, जिस तरह की इसके आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। इसको थिक ही रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से अंदर तक ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा पानी वगैरह नहीं। इसको मतलब ड्रेन अच्छे तरीके से हमने पहले किया हुआ है,
इसको गारा ही रखना है ताकि अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए फिश के साथ। हम इसे अच्छे तरीके से अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से फिश के ऊपर लगा देंगे। हर एक एक फिश के पीस को सेपरेट सेपरेटली हम लगाएंगे। पहले फिलहाल ऐसे लगाएंगे। दूसरी साइड हम पलटा देंगे इसकी। एक साइड से लग गया। सेपरेटली एक एक पीस को हम सेपरेटली पकड़ के करते जाएंगे दोनों साइड से। अब इसको मसाला लग गया है। अब हम इसे फ्रीज कर लेंगे 12 घंटों के लिए। इसे 12 घंटों के लिए हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। अब ये इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे 12 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। अगर आपके पास इतना नहीं टाइम तो आप 2 घंटे फ्रीज़र में रख के उसके बाद इसे फ्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश अब रेडी हो चुकी है। हम इसे रायते के साथ सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्राई हुई है। इसमें इसे हमें सिर्फ मैरिनेट करके रख लिया हुआ था। हमने सिर्फ इसे फ्राई किया। इसके साथ कोई इसको ऊपर से कुछ भी नहीं लगाया, एक्स्ट्रा कोई भी कोटिंग नहीं की, बस यही लगा हुआ है। जो मैरिनेट करके मसाला लगाया था बस वही है।